मंगलवार को हनुमान जी पूजा के दौरान महिलाएं करें कुछ खास नियमों का पालन। हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी कहा जाता है। ऐसे में जब महिलाएं उनका पूजन करें तो ध्यान रखें कि पूजा में कुछ कार्य करना उनके लिए वर्जित है। यदि वो इन नियमों का पालन करने में लापरवाही करेंगी तो बजरंगबली के क्रोध का पात्र बनने की संभावना है। एक दश हनुमान जी की पूजा करने के दौरान महिलाएं उनको जनेऊ नहीं अर्पित कर सकती हैं। दो दश इसके अलावा हनुमान जी को महिलाएं अपने हाथों से सिंदूर नहीं चढ़ाती हैं। तीन दश महिलाएं हनुमान जी को आसन भी नहीं दे सकती। इसके साथ ही महिलाएं को चोला चढ़ाने पर भी पाबंदी है। चार दश रजस वाला होने पर हनुमान जी से संबंधित कोई भी कार्य नहीं करने चाहिए। पाँच दश महिलाओं को बजरंग बली की मूर्ति पर पंचामृत स्नान नहीं कराना चाहिए। छह दश कपड़ों का जोड़ा समर्पित करना भी मना है। हनुमान जी मंगलवार के देव माने जाते हैं। हनुमान जी की पूजा सबसे जल्दी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली मानी गई है। इस दिन हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए विशेष उपाय करें तो कुछ ही समय में आपकी किस्मत बदल सकती है। ये खास उपाय आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकते हैं और सभी कष्टों का निवारण कर सकते हैं। पर कुछ ऐसी बातें हैं जो कहते हैं मंगलवार के दिन नहीं करना चाहिए। मंगलवार के दिन राम मंदिर में जाएं। हनुमान जी के मस्तक का सिंदूर दाहिने हाथ के अंगूठे से लेकर सीता माता के श्री रूप के श्री चरणों में लगा दें। अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए प्रार्थना करें। मंगलवार की सुबह स्नान करने के बाद बड़ के पेड़ का एक पत्ता तोड़ें और इसे साफ पानी से धो लें। अब इस पत्ते को कुछ देर हनुमान जी के सामने रखें। इसके बाद इस पर केसर से श्री राम लिखें। अब इस पत्ते को अपने पर्स में रख लें। ऐसा माना जाता है कि इससे पर्स में पैसे बने रहते हैं।